अल जन्नत इंस्टीट्यूट ग्रैंड ओपनिंग। सब लोगों ने कारी महमूद हसन साहब को मुबारकबाद पेश की और काफ़ी लोग अहले इलाका खुश। और कारी महमूद हसन साहब के उस्ताद साहब भी जो है महफिल में आए ग्रैंड ओपनिंग में, और काफ़ी अच्छा माहौल रहा। और शाह साहब ने जो है ख़िताब भी पेश किया और काफ़ी लोग लुत्फानंदोज़ हुए। तो नाज़रीन ये है अल जन्नत इंस्टीट्यूट। तरावियों का इंतज़ाम होगा, जुमे का इंतज़ाम है, 5 टाइम नमाज पढ़ सकते हैं। बच्चों को लेकर आइए, इधर से अच्छी स्टडी करवाइए। तो ये है अल जन्नत इंस्टीट्यूट के, माशाल्लाह कारी साहब से मुलाकात कीजिए और गुफ्तगू कीजिए। अस्सलाम। देखें, आज जुमातुल मुबारक भी था, तो आपके टीवी की वसादत से तमाम मुसलमानों को जुमातुल मुबारक हो। उसके बाद आज एक बहुत रूहानी महफल थी, यहाँ पे बड़े बड़े उलमा, पीरान हजरात और बहुत सारे नात खान थे। क्या खूबसूरत अल जन्नत इंस्टीट्यूट में, तो सब ने बड़ा इंजॉय भी किया। और जो है ना, अल्लाह का करम है कि ऐसी महफिलें अगर सजी रहीं तो इंशाल्लाह बफजल खुदा हमारी कौम जो काफ़ी इस्लाम से दूर जा रही है वो वापस आएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह अल जन्नत इंस्टीट्यूट जो हमारे घर के बिल्कुल करीब जो है ना, इसकी ओपनिंग हुई है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिल्कुल घर के नज़दीक मस्जिद है। और कारी साहब किबला जो है, कारी महमूद हसन साहब, दीन के मसले में इनकी बहुत खिदमात हैं, और माशाल्लाह दिल से मुखलिस होके ये तालीम का और बच्चों की तरबियत का जो है ना, ये इंतज़ाम करते हैं। तो अल्लाह पाक जो है इनको जजाए खैर अता फरमाए। उसके अलावा हमारे भाई हारून साहब हैं, माशाल्लाह इन सब की मेहनत से, अल्लाह पाक के करम से ये मरकज़ यहाँ पे कायम हुआ है, और हम सब जो है ना, हमारे बच्चे जो है इससे ज़रूर मुस्तफीद होंगे।